नमस्कार आदर शिक्षण संस्थान ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपनी कक्षा द्वितीय में विषय नैतिक शिक्षा अध्याय 20 विभिन्न स्थानों पर ध्यान रखने योग्य बात है। तो इसमें पहला बिंदु था सड़क पर चलते समय सावधान, तो उसका अध्ययन अपन कर चुके हैं। दूसरा बिंदु बस में यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसका चिंतन करते हैं। तो बस में यात्रा करते समय बस में भीड़ भाड़ होती है तो हमें पंक्ति बना करके आराम से चढ़ना चाहिए, चलती बस में हमें कभी नहीं चढ़ना चाहिए। हमें चलती हुई बस की खिड़की से हाथ मुंह बाहर नहीं निकालना चाहिए और बस में एकदम हमें शांत बैठना चाहिए। चलती हुई बस में जो बस का चालक होता है, ड्राइवर होता है, उनसे भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की सावधानी हमें बस में बैठते समय रखनी चाहिए। फिर विद्यालय, विद्यालय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अपन अध्ययन करते ही हैं, पढ़ते ही हैं। वैसे अपना आदर्श विद्या मंदिर तो बहुत सुचारुयुक्त है, तो हमें सीढ़ियों पर भागना नहीं चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए, कक्षा में शांत रहना चाहिए, बेंचों पर चढ़ना नहीं चाहिए, चौक के टुकड़े इधर उधर फेंकने नहीं चाहिए, कचरा होता है तो कचरा पात्र में डालना चाहिए, अनावश्यक कचरा अपने आसपास में बिखेरना नहीं चाहिए। इस प्रकार की सावधानी हमें विद्यालय में रखनी चाहिए। खेल मैदान, खेल मैदान में खेल को हमें खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलते समय किसी को धक्का भी नहीं मारना चाहिए, खेल को ईमानदारी से खेलना चाहिए। हमें तालाब कुएं के पास भी नहीं खेलना चाहिए जिससे कोई दुर्घटना ना हो। घर पर हमें कोई नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू है, कैंची है, कोई तार है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए और आग से दूर रहना चाहिए। घर की भी साफ सफाई रखनी चाहिए क्योंकि अपना घर है, विद्यालय एक मंदिर के समान है। पढ़ने का कक्ष है वो एकदम अच्छा रखना चाहिए, पढ़ने की जो सामग्री है अपने व्यवस्थित स्थान पर रखनी चाहिए। इस बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। यदि शुभम जय श्री कृष्ण।